हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड से बच्चों के लिए सुबह के लिए ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए हमने चार पांच ये आलू लिए हैं, छोटे साइज़ के आलू हैं, बड़े आलू नहीं हैं। या तो इसको इस तरह मैश कर लेंगे या हम इसको बड़े वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमने बड़ा वाला कद्दूकस लिया है, इससे बहुत आसानी से इस तरह मैश कर लेते हैं सारे आलू को। आप चाहो तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस कर लेती हूँ जो आलू मिलाने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से सारे आलू इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने से ये होता है कि जो कोई आलू कच्चा भी रहता है तो कद्दूकस करने से आराम से कद्दूकस हो जाता है। इस तरीके से सारे आलू कर लेंगे। अभी आलू हमने मैश कर लिए, इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हमने दो हरी मिर्च काटी है बिल्कुल बारीक, ये हमने धनिया काट लिया था। इसमें डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च डाल दिए, थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालेंगे, सब चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छे से। अब आलू हमने मैश कर लिए सारे, अब मिक्स कर लिए सारा मसाला जो हमने डाला था। अब इसको साइड में रख के ये ब्रेड लेंगे इस तरीके से, ताज़ी ब्रेड होने चाहिए। ब्रेड को बेल लेंगे, कटिंग नहीं करेंगे ब्रेड को, इस ब्रेड को ऐसे ही बेलेंगे। बिल्कुल पतली कर लेंगे बेल के। अच्छे से कोने कोने बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह पतली हो जानी चाहिए। इसी तरीके से सारी ब्रेड बेल लेंगे, जैसे रोटी होती है इतनी पतली कर लेंगे सारी ब्रेडों को। अभी हमने सारी ब्रेड बेल लिए, इस तरीके सारी ब्रेड पतली पतली बेल लेंगे हमने। अब क्या करेंगे, इस तरीके से आलू लेंगे, इसके बीचों बीच इस तरीके से फैलाएंगे। इस तरीके से उतना फैलाएंगे कि हमने ब्रेड भी हमारी कवर हो जाए। अब इसको जब पैक करेंगे तो अच्छे से पैक भी हो जाए। इस तरीके दूसरी ब्रेड रख देंगे। अभी हम बड़ी सी कटोरी लेंगे, इसको कस के दबाना है हमने, जो हमारी ब्रेड है आपस में ही चिपक जाए। इस तरीके से, और कटर लेके इस तरीके से हम साइड से काट देंगे जो एक्स्ट्रा है। तो बिल्कुल गोल शेप में बनेगा ये, इस तरीके से। जो ये साइड का निकलेगा इसको फेंकेंगे नहीं, इसको सुखा के कुछ और भी चीज़ बन सकती है। अभी देखो हमारा बिल्कुल पैक हो गया है। इस तरीके से साइड से एक बार अच्छे से और दबा देंगे, और कहीं से खुल रहा होगा तो वो भी पैक हो जाएगा। इससे दो सैंडविच बनेंगे हमारे, पॉकेट सैंडविच। ये मैं आपको बताऊँगी दो कैसे बनेंगे। ब्रेड को मिसलरी में करेंगे तरीके से, अच्छे से पहले स्लरी लगा लेंगे चार तरफ। अब इस तरीके से ब्रेड को उठा लेंगे, और ये हमने ब्रेड क्रम लिया है, ब्रेड क्रम के बीचों बीच रख के इसके अंदर ब्रेड क्रम लगाएंगे। ब्रेड क्रम से क्या है,
क्रिस्पी हो जाएगा अच्छे से जो हम ये पॉकेट बना रहे हैं। इस तरीके से चार तरफ अच्छे से लगा लेंगे। दोनों हाथों से अब दूसरी ब्रेड को भी ऐसी कर लेंगे और एक्स्ट्रा झाड़ देते हैं। पहले इस लेयर में कर लेंगे इस तरीके से। आराम से साइड से उठाएंगे और ब्रेड क्रम में डाल देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा देते हैं। चारों तरफ से ढक के तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। इस तरीके से अभी ब्रेड क्रम हमारा सारा लग गया इसके अंदर। एक्स्ट्रा झाड़ देते हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। ऑयल गर्म हो गया है। अब डाल देते हैं आराम से। पलट लेते हैं आराम से। अभी हमारी दोनों ब्रेड फ्राई हो गई हैं। इनको निकाल लेते हैं। अभी इनको हम कट कर लेते हैं। आलू हमने ज़्यादा भरे थे। सब करने के लिए हमें इसको कट करना पड़ता है इस तरीके से बीच में। तो ये दो बन के इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। आलू इतने अच्छे से भरे हुए इस तरीके से हमें कट करने पड़ते हैं खाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।